किसान आंदोलन में उतरे पवार और आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की नब्ज पर नजर। जय श्री राम के नारे को लेकर विवाद जारी, टीएमसी विधायक ने जानवरों से की बीजेपी नेताओं की तुलना। असम में अमित शाह के दौरे का विरोध, सीएए वापस लेने की मांग, लहराए गए काले झंडे। नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में महाराष्ट्र के किसान भी खुलकर आ गए हैं। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चले हजारों किसान मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई के आजाद मैदान में किसानों की बड़ी रैली बुलाई गई है, जिसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे सहित कांग्रेस के नेता भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने के लिए राज्य के तीनों सत्ताधारी दल खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए हैं। विक्टोरिया मेमोरियल में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की मौजूदगी में लगाए गए जय श्री राम के नारों को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ज्योति प्रिय मलिक ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना जानवरों से की है। हावड़ा से विधायक मलिक ने कहा है कि जय श्री राम के नारे जिस जगह पर लगाए गए, ऐसे में मैं बीजेपी नेताओं को बंदर ही कहूंगा। बीजेपी नेताओं ने 23 जनवरी को बंदर की भूमिका निभाई। विक्टोरिया मेमोरियल में आधिकारिक कार्यक्रम हो रहा था। प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे थे तो राज्य की मुख्यमंत्री को वहां मौजूद रहना था और गवर्नर भी मौजूद थे। मेरा पहला सवाल यही है कि सरकारी गेस्ट कार्ड जो सिर्फ वरिष्ठ लोगों को दिया जाना था, जिस पर अशोक स्तंभ भी अंकित था, वो बीजेपी दफ्तर कैसे पहुंचा? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कई जिलों में एएसयू के सदस्यों ने विवादास्पद अधिनियम की प्रतियां जलाईं, जबकि गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने काले झंडे लहराए। एएसयू के अध्यक्ष दीपांका कुमार नाथ ने कहा कि सीएए ने असमिया लोगों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, साथ ही उनकी संस्कृति, पहचान और भाषा को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक सीएए को निरस्त नहीं किया जाता, हम अपना विरोध जारी रखेंगे। अमेरिका में जो बाइडेन की नई सरकार आते ही चीन और यूएसए के बीच एक बार फिर टकराहट बढ़नी शुरू हो गई है। इस बार यह तकरार ताइवान को लेकर शुरू हुआ है। पहले तो चीन के 12 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर डिफेंस टेरिटोरी में पहुंच गए। अब इसके जवाब में अमेरिका ने भी अपने लड़ाकू युद्धपोत का बेड़ा दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है। अमेरिकी सेना ने बताया कि यूएसए थियोडोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में कई अमेरिकी युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर में पहुंच गए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसके ये युद्धपोत समुद्र की स्वतंत्रता मिशन को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि विस्तारवादी चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वह अक्सर ताइवान की सीमा का उल्लंघन करते रहता है। शनिवार को चीन के 12 फाइटर प्लेन ताइवान की एयर स्पेस के अंदर दिखे। इनमें से कुछ विमान तो परमाणु हमला करने भी सक्षम थे। इस घटनाक्रम के तुरंत बाद अमेरिका के युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर में पहुंच गए। बता दें कि दक्षिणी चीन सागर के भी ज्यादातर हिस्सों पर चीन अपना दावा जताता है। अमेरिका ने कहा है कि उसके युद्धपोत रूटीन ऑपरेशन के तहत गश्त पर निकले हैं ताकि समुद्र की स्वतंत्रता बनी रहे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। युवा नेता पप्पू सिंह कुशवाहा की ओर से आप सभी देशवासियों, बिहार वासियों, जनपद वासियों और ग्राम वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के अमेठी में एनएच 56 की अधिकांश बसें जगदीशपुर बस अड्डे के अंदर नहीं जाती, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बसें रात में भी यात्रियों को बाईपास के पास किसी भी समय उतार देती हैं। रात्रि के समय लौट रहे यात्रियों के साथ किसी तरह की आपराधिक घटना भी घटित हो सकती है। करोड़ों की लागत का बना जगदीशपुर में बस स्टॉप उन्हें बेकार नजर आता है। जहां तक बात किराए का है तो किराया पूरा जगदीशपुर का लिया जाता है और यात्रियों को उतारा जाता है जाफरागंज बाईपास पर। किसी भी कीमत पर बस कंडक्टर या ड्राइवर बस अड्डे के अंदर बस लाने को तैयार नहीं होते। परिवहन विभाग इस तरफ से बिल्कुल अपनी आंखें बंद किए हुए है। यूपी के कानपुर में जननायक कपूरी ठाकुर की 97वीं जयंती कल्याणपुर स्थित कपूरी ठाकुर पार्क पर मनाई गई। इस मौके पर उड़ीसा के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर आई एम कद्दूसी ने कपूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने कहा कि कपूरी ठाकुर राजनीति के संत थे। उन्होंने पिछड़ों, महिलाओं और गरीब सवर्णों को मजबूत करने के लिए देश में सबसे पहले आरक्षण लागू किया था। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में 24 जनवरी से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भदोही में 24 से 26 जनवरी की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदर्शनी, पुरस्कार, सम्मान, सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम जनपद स्तर पर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम से संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी थी। इस बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का थीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिला, युवा, किसान व सबका विकास सबका सम्मान विषय पर कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें सभी विभाग आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश को आधार बनाकर संचालित कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी कोविड को लेकर विशेष आयोजन कर रखी है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, उन्नत कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन आदि कृषि से जुड़े लोगों को सम्मान प्रदान किया गया। आरोग्य मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें उसकी औचित्य व उपयोगिता का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विद्या एवं कला का भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को पुरस्कार और सम्मान भी दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को पुरस्कार और सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। मुकेश राव, एसोसिएट एडिटर, आईबीएन भारत की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के मथुरा जिले के सुरीर कस्बे में भारतीय स्टेट बैंक के समीप तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार किशोरों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, तो वहीं मौका देखकर टैंकर चालक टैंकर लेकर भाग निकला, जिससे नौहझील पुलिस ने पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार कस्बा सुरीर निवासी दीपेश और गौरी शंकर बाइक से सुरीर कस्बे में कुछ सामान लेने आए थे। इस दौरान भारतीय स्टेट बैंक के समीप मथुरा की तरफ से नौहझील जा रहे टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें दोनों किशोर सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाट में भर्ती कराया, जहाँ हालत गंभीर होने पर उन्हें मथुरा रेफर कर दिया गया। यहाँ पर घटना ये हुई है, स्टेट बैंक के सामने ये दो लड़के थे, सुरीर के बताया जा रहा है, ये इधर से अड्डे की तरफ से अंडा लेकर के जा रहे थे, तो इधर से बता रहे हैं कि टैंकर आ रहा था और टैंकर वालों ने दोनों लड़कों को मतलब एक्सीडेंट मार दिया है। कैसी स्थिति है इन लोगों की? स्थिति गंभीर है। और किधर से किधर जा रहे थे ये लोग टैंकर? इधर बाजार की तरफ जा रहे थे और इधर टेंट कैंप की तरफ जा रहे थे। और टैंकर किधर से आ रहा था? टैंकर टेंट कैंप की तरफ जा रहा था। पकड़ा गया क्या टैंकर? टैंकर फिलहाल भाग गया है, पता नहीं चल पाया। कल मौके पुलिस आ चुकी है कि क्या तैयारियां रहेंगी। यूपी के मथुरा में नए कृषि कानून को लेकर किसानों ने यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। किसान पिछले 5 दिनों से बाजना इंटर कॉलेज पर किसान कल्याण समिति के बैनर तले चल रहे धरना दे रहे थे। 5वें दिन किसानों ने लगभग 35 मिनट यमुना एक्सप्रेसवे को
जाम रखा। दरअसल किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रतिदिन यमुना एक्सप्रेसवे पर शांति मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन इनके प्रयास को लगातार असफल कर रहा था। धरने के पांचवें दिन हर दिन की तरह किसान शांति मार्च के लिए चले। उससे पहले ही वहां पुलिस बल भारी संख्या में तैनात कर दी गई। जब किसानों ने देखा कि दोनों चढ़ाओं पर भारी पुलिस बल खड़ी है, तो वह पुलिस को चकमा देते हुए बंद पड़े पड़ाव नंबर चढ़ाव नंबर 3 से यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गए। अचानक हुए घटनाक्रम से पुलिस के आला अधिकारी दंग रह गए। जब तक किसानों को रोकने के लिए पुलिस पहुंच पाती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि पुलिस ने जाकर किसानों को रोकने का प्रयास किया, परंतु किसान यमुना एक्सप्रेसवे पर किसानों ने जाम लगा दिया। वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। पुलिस के आला अधिकारी किसानों को मनाते रहे। लगभग 35 मिनट यमुना एक्सप्रेसवे जाम रहा। जी बताएं, शांति मार्च निकाला, क्या मामला? ये आज हमारा धरने का पांचवा दिन है। काले कानून वापस हो, MSP पे कानून बने, जो देश के किसान बैठे लड़ रहे हैं दिल्ली में, उन्हीं के समर्थन में उसी मांग को लेकर, और यहाँ स्थानीय मांग, जो क्षेत्र की जनपद की मांग है, क्षेत्र की मांग है, जैसे कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार, चरम सीमा है हर व्यवहार में, और ये गौवंश की समस्या, इन सारी समस्याओं को लेकर हमने आज शांति मार्च के 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं। पुलिस नहीं जाने देती थी, सामने अड़ जाई और लड़ाई झगड़ो हमारा उद्देश्य ना हो, लड़ाई झगड़ो करके जाए, तो जब पुलिस वाले ज़्यादा जिद करे, हाथाजोड़ी करे, तो हम रुक जाए, और ऐसे ही हुआ आंदोलन में। तो आज हम पुलिस तो लेफ्ट साइड में लग रही हुआ जहाँ के चढ़े, और एक साइड यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ी हुई सीधे हाथ की तरफ, जो अभी वो रास्ता खुला नहीं है, तो उस रास्ते से हम निकल गए और ऊपर चढ़ गए। पुलिस पहुँची जो होता है, हम हाईवे पहुँच गए, और हम हाईवे पर शांति मार्च करके चले जाएगी, हमारा उद्देश्य आगे की क्या रणनीति है? हम गरीबों को हमारा उद्देश्य ना, फिर जब हम रुके खड़े भए तो जामू है वो। आगे की आपकी क्या रणनीति? आगे की रणनीति हमारी ये है, कल तो हम धान्य अपने स्थगित कर कल कर पवान कल होगी तैयारी, परसों दिल्ली पूछ के लिए करीबन 500 ट्रैक्टर हमारे क्षेत्र में आने चाहिए, और उम्मीद है 500 ट्रैक्टर आएंगे। सब 500 ट्रैक्टर लेकर कल दिल्ली शांति मार्च में, दिल्ली उस परेड में जो 26 जनवरी की होगी, जो पूरे देश के किसान कर रहे हैं, वहाँ में हमने सहयोग करेंगे, हम जाएंगे। जी बताएं, शांति मार्च। यूपी के मथुरा पहुंचे नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य अश्विन त्यागी यमुना एक्सप्रेसवे के वृंदावन कट पर पहुंचे, जहां मथुरा महानगर सहित वृंदावन गोवर्धन राधा कुंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। मथुरा महानगर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल और ब्रिज प्रांत के महासचिव व पूर्व जिला अध्यक्ष मथुरा नागेंद्र सीकरवार ने त्यागी जी को बधाई दी। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता महादेव शर्मा भी अपने दल बल के साथ पहुंचे और उन्होंने भी त्यागी को माला पहनाकर विधानसभा सदस्य बनने पर बधाई दी। बधाई। पहली बार यहां पर अश्विनी त्यागी जी का आगमन हुआ है मथुरा में, और यहां पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, आप क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिएगा, पहली बार ना है, हाँ ये बात जरूर है कि भाई MLC होने के बाद, हाँ वही पहली बार आए विधान परिषद के, MLC होने के बाद पहली बार आए। ये सब देख रहे, हम तो कह रहे थे भी बराबर, हमारे भाई कह रहे थे कि बड़ी भीड़ है, मैं कि फरवरी में जो वृंदावन में कुंभ लग रहा है उसका रिहर्सल है ये, तो मेरे ख्याल में कुंभ से ज्यादा यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जिस तरह से गर्मजोशी से हमारे भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका कार्यकर्ता कोने कोने से लेकर, चाहे हमारे किसी पार्टी का कार्यक्रम हो, चाहे हमारे अश्विनी त्यागी जी का MLC होने का स्वागत हो, चाहे आगामी आने वाले में राम मंदिर का निर्माण हो, सब लोग जितने साथी हैं अपने सब काम छोड़ के भगवान राम के मंदिर को बनाने में, हमारे कार्यकर्ता जो आते हैं, हमारे जो पदाधिकारी आते हैं, जो हमारे सम्मानित संगठन है, वो अपने एकजुटता क्या है कि आप बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो आपके माध्यम से जितने यहाँ पर आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगामी 2 दिन बाद 26 जनवरी है, देश की स्वतंत्रता के दिन भी मैं सबको बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर। बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद। बताइए, आप यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ लेके आए, आपके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, क्या कुछ कहेंगे? आपने भी उनका स्वागत किया। अश्विनी त्यागी जी हमारे नवनिर्वाचित हुए MLC, उनके स्वागत में हम पलसों, सिंह, मेरौली, जानू, मोथेरा, दौलतपुर सभी गांवों से 3 से 4 से कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं का
और हमारे MLC जी का, हमारे विधायक जी का, हमारे संगठन का मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय जय। आप पहली बार मथुरा वृंदावन आए हो, आपका यहाँ पर जोरदार स्वागत हुआ, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? स्वागत किया है। मैं सबसे पहले मथुरा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को यहाँ के आदरणीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथियों, आज जो वातावरण पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा में है, जो जन कल्याण के काम मोदी जी, योगी जी ने अपने हाथ में लिए हैं, निश्चित रूप से जो समाज के उत्थान में लगे हैं, निश्चित रूप हम सब कार्यकर्ता उसी को विस्तार देने में लगे हैं। मैं यहाँ के मित्रों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हृदय की गहराई से जोरदार सा। आगामी चुनावों के बारे में क्या कहेंगे आप? पंचायत चुनाव में निश्चित रूप से भाजपा की विजय होगी। बधाई, पहली बार यहाँ पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। We'll be right back.